अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको लिंक्डइन के बारे में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करता हुआ नजर आऊंगा। वो है हाउ टू गेट हायर्ड फ्रॉम लिंक्डइन। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है आज के मेरे ख्याल दौर का, जहाँ पे जो रेज्यूमेज हैं, जो पेपर रेज्यूमेज होते थे हार्ड कॉपीज, वो रिप्लेस हो रहे हैं सॉफ्ट रेज्यूमेज से, जिन्हें कहते हैं आप ऑनलाइन रेज्यूमेज। और अगर आप किसी भी आजकल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं फॉर जॉब, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंटरनेट पे प्रोफाइल्स चेक करती हैं, स्पेसिफिकली आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। और अगर आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाई भी अभी तक और आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ टू क्रिएट अ वेरी गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। उसमें अपनी अच्छी सी प्रोफेशनल पिक्चर पोस्ट करें, जिसकी बैकग्राउंड आप रिमूव कर लें। बड़े टूल्स हैं आजकल, remove.pg पे जाके वेबसाइट है, आप बैकग्राउंड को रिमूव करें, एक प्रोफेशनल वाइट, उसके अलावा ब्लू बैकग्राउंड कर लें, और पिक्चर जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्लोथ्स में, प्रेफरेबली अगर आपकी सूटेड हो, फॉर बॉयज़ मैं कह रहा हूँ, गर्ल्स भी एक फॉर्मल ड्रेस में हो, अगर सूट में हो तो अच्छी बात है। इट शोज़ दैट यू आर अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल हु टेक्स प्रोफेशनल अपीयरेंस वेरी सीरियसली। प्लस उसके अलावा आप अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स मेंशन करें, अपनी जो डिग्रीज हैं वो प्रॉपरली फिल करें कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से आप कॉलेज पढ़े, कहाँ यूनिवर्सिटी में गए, और वहाँ आपकी मेजर्स क्या थे, और उनमें आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस किया। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप फोकस करें कि टेस्टिमोनियल्स आपके पास कितने अवेलेबल हैं, अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने कॉलीग्स से, अपने टीचर्स से जिन्होंने आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कि आपको टेस्टिमोनियल्स लिख के दे दें, रिकमेंडेशंस भी जिन्हें कहते हैं, तो वो लिंक्डइन पे अपीयर हो जाती हैं। तो लोग आपके बारे में रिकमेंडेशंस और टेस्टिमोनियल्स पढ़ के भी आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा कितने लोगों ने आपको कितनी स्किल्स के लिए इंडोर्स किया हुआ, ये भी बहुत मैटर करता है। लिंक्डइन ने एक स्पेशल फीचर इंट्रोड्यूस किया था एंडोर्समेंट्स का। पहले मुझे याद है दो साल पहले लिंक्डइन काफ़ी एक्टिवली उस फीचर को प्रमोट कर रहा था, लेकिन रिसेंटली नहीं कर रहा। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ नाउ। तो आप अपने फ्रेंड से कहें कि आपको रिकमेंडेशंस ऑन पर्टिकुलर स्किल्स जो हैं उसके उसमें दे दें, और उसके अलावा उन आपको एंडोर्समेंट्स दे दें इन दैट पर्टिकुलर स्किल। जैसे अगर आप मार्केटिंग में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो मार्केटिंग की स्किल के साथ आपकी इंडोर्समेंट काउंट आ रहा होता है। तो अगर आप उस इंडोर्समेंट काउंट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कर लेंगे, यार अगर आप मुझे इंडोर्स कर सकते हो, तो उससे भी आपकी प्रोफाइल बिल्ड होने में आसानी होगी। इसके अलावा आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस को ऐड करने की कोशिश करें। लिंक्डइन में मैक्सिमम शो करते हैं 500+ कनेक्शंस, तो आपका एम यही होना चाहिए कि मेरे 500 से ज़्यादा हों कनेक्शंस, ताकि एक लिंक्डइन की सॉलिड प्रोफाइल अपीयर हो आपकी प्रोफाइल। और वो कनेक्शंस भी मैं कहूँगा रैंडमली ना ऐड करें लोगों को जिन्हें आप जानते हैं, या लिंक्स ऑफ योर फ्रेंड्स, जैसे आपके फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स हैं उनको ऐड करें, जो प्रोफेशनल लोग जिनको आप फॉलो करते हैं उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें, जिनको आप लुक अप टू करते हैं कंपनीज में, जिन कंपनीज में आप जॉब हासिल करना चाहते हैं उन कंपनीज के HR मैनेजर्स को आप ऐड करें, उसके अलावा उस कंपनी के CEO को भी आप कनेक्शंस में ऐड करने की कोशिश करें, साथ आप उन्हें फॉलो करें, उनके कंपनी पेज को फॉलो करें। इस तरह से ना आपकी ग्रेजुअली एक प्रोफाइल बिल्ड होती जाएगी। आप देखेंगे विद टाइम आपने काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन एक्वायर कर लिए होंगे, और अगर जब आपका कनेक्शन एक्वायर हो जाए तो डोंट जस्ट लीव इट एट दैट। जब उनकी कोई बर्थडे आए उन्हें विश करें, उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, उनकी वर्क एनिवर्सरी उन्हें विश करें, डिफरेंट अगर आप कोई कलेबोरेशन करना चाहते हैं तो आप उन्हें मैसेज करें प्राइवेट मैसेज। और इसके अलावा जो लिंक्डइन ने अब रिसेंटली न्यूज़ फीड भी शुरू कर दिया जैसे फेसबुक की होती है, तो उस पर आप कंटेंट भी शेयर करें जो कि आप समझते हैं प्रोफेशनल है, इंटरेस्टिंग कंटेंट है, तो शेयर करते रहें। रेगुलरली पोस्ट अपलोड करें, वीडियोस अपलोड करें, जितना आप शेयर करेंगे उतनी आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपको देख सकेंगे, आपके कनेक्शन, अगर वो कनेक्शन आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे तो वो उनके कनेक्शन तक भी पहुँच जाएंगे। तो इस तरह आप अपना नेटवर्क बिल्ड करते जाएं, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली एवरी डे, डे इन डे आउट। दिन में आप बेशक स्पेसिफाई कर लें टाइम, मैंने आधा घंटा लिंक्डइन को देना है या 20 मिनट्स लिंक्डइन को देना, तो इस तरह आप देखेंगे आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं नज़र आएंगे, बट विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 10 मंथ्स आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और एम्प्लॉयर्स भी आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे।
इसी तरह से ग्रेजुअली बेबी स्टेप्स लेके स्टार्ट करें, स्टार्ट स्मॉल, हार्ड वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस ऐड करें और अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें। मज़ीद आप ना जो हार्ड कॉपी का जो आपका रेज्यूमे है उसको भी स्कैन करके लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हैं, ये आप ज़रूर करें, फीचर ट्राई करें। प्लस एक और बहुत अच्छा लिंक्डइन का फीचर है जो कि अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं लिंक्डइन पे। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, आपकी नॉलेज है, आप उस पर एक आर्टिकल लिख के पब्लिश करें, वो आपके सारे कनेक्शंस को उसकी नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो जितने ज़्यादा आप आर्टिकल लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लोगों तक एक्सेस, ऑर्गेनिक एक्सेस वो बढ़ेगी और आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे उस आर्टिकल पे। करते रहें, बेस्ट ऑफ लक विद योर जॉब हंट। और मुझे पता है आजकल हालात काफ़ी ख़राब हैं जॉब्स के मामले में, कोरोना की वजह से लोगों को काफ़ी लोग ले ऑफ हुए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जॉब्स हैं वो उन्हीं लोगों के लिए हैं मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया और लिंक्डइन पे एक्टिव हैं, क्योंकि वर्ल्ड अब ग्रेजुअली मूव हो रहा है फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। जो डिजिटल एक्सपर्टीज है दैट्स अ मस्ट इन एवरी फील्ड। तो फोकस करें, अपनी डिजिटल प्रोफाइल बिल्ड करें और ताकि आपको आसानी से एक अच्छी जगह जॉब मिल सके। तो बेस्ट ऑफ लक विद योर जॉब एंड अगेन, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।